साथ ही मेरी बहनों का जो है ना वो महायुद्ध होने लगा है। नहीं लग रही है मेरे कैमरा में, आपकी नाइट कैसी चल रही है? सर में इतना दर्द हो रहा है। फाइनली वो दिन आ गया है जब मैंने सोचा कि यार अब मैं ना डाइट स्टार्ट करती हूँ। चाय लाजमी पीनी, चाहे जितना मर्जी पसीना आए, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, लेकिन मैं चाय लाजमी पीऊंगी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वी ऑल आर डूइंग गुड एंड फाइन ओवर हियर एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है वो दिन, फाइनली वो दिन आ गया है जब मैंने सोचा कि यार अब मैं ना डाइट स्टार्ट करती हूँ एंड वील स्टार्ट फ्रॉम समथिंग एक्सट्रीमली स्मॉल। छोटे छोटे टारगेट्स लेंगे एंड आगे बढ़ेंगे। तो मैं सोचूँ कि यार मैं ना एक वीक की डाइट करूँ फिलहाल, बिकॉज इतनी तबाही नहीं मची। आई जस्ट गेन अराउंड 2 kgs इन द होल मंथ। तो 2 kg भी नहीं, उससे कम ही, लाइक 1.8-1.5 kg इतना मैंने गेन किया है ईद के बाद से। तो खैर, आई एम प्लानिंग कि हम लोग करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग एंड उसमें भी हम लोग पोर्शन कंट्रोल रखेंगे। दैट्स दैट। अभी जो है ना वो 2 हो चुके हैं, तो मेरी विंडो जो होगी वो 2 से लेके 8 o'clock तक होगी। उसके अलावा जो है ना वो फास्ट रहेगा मेरा सारा। तो अभी कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में देखते हैं क्या बनाते हैं। तो चलते हैं किचन में। आप लोगों को मैं पूरा वीक तो एक ब्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, हाफ करके बनाऊंगी एंड वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, सो दैट हाफ वे आप लोग भी फॉलो कर सकें। तो लेट्स गो इन द किचन एंड मेक सम ब्रेकफास्ट। हियर वी आर हियर इन द किचन। यार मैंने कल ऑयल लगाया था एंड मैं नहाई हूँ, उसके बाद ना मेरे बाल इस तरह लाइक दे आर नॉट स्मूथ, ऐसे अलग अलग से हो रहे हैं। सो आई थिंक आई हैव टू टेक अ बाथ अगेन। बट खैर, बट आई एम प्लानिंग कि यार बहुत गर्मी है, अंडे वंडे तो मुझे खाए नहीं जाएंगे। सो मैं यूज़ करूँगी मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ ना मैं एक शामी कबाब लूँगी, जो कि एन एंड वाला मिलता है, बिकॉज मम्मा तो है नहीं, अगर मम्मा होती तो वो घर पे शामी कबाब बनाती। वो बनाएंगे एंड उसके साथ बनाएंगे 1/2 cup चाय। तो ये हमारा होगा ब्रेकफास्ट। टाइम जो है ना वो 2 से ऊपर हो चुका है, तो बना सकते हैं एंड खा भी सकते हैं आराम से। सो लेट्स गो एंड मेक। نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح عن الدوني دوما بالروح عن الدوني قلبي شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني। तो आप लोगों ने डाइट के साथ बिल्कुल ही हम्बल रहना है, ये नहीं कि आपने बिल्कुल ही सब कुछ खाना पीना छोड़ देना है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा केचप भी लगाया था कि यार इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती अगर आप पूरे दिन थोड़ा सा केचप खा लें। ऑल राइट गाइस, तो सीन ये है कि नमाज वगैरह पढ़ ली है और नाश्ता वगैरह कर लिया, अभी जा रही हूँ मैं मनाहिल को छोड़ने के लिए क्लिनिक एंड उसके बाद घर आएंगे। मैंने वीडियो जो है ना एडिट करके आज ही अपलोड करनी है, बिकॉज इट्स बिन 10 days मैंने कुछ अपलोड नहीं किया यूट्यूब पे, तो आज मैंने लाजमी वीडियो डालनी है। सो गो अहेड एंड चेक दैट आउट एज वेल एंड या लेट्स गो। बेसिकली लेट्स गो एंड ड्रॉप मनाहिल। आजकल ना आई एम टोटली ग्लासेस डिपेंडेंट, व्हिच आई डिडंट वांटेड टू बी, क्योंकि मैं जरा मुझे थोड़ी सी ना उलझन होती है ग्लासेस में, लेकिन अब मुझे इतनी ज़रूरत पड़ना शुरू हो गई है। लाइक बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, बट अगर मैं ना भी पहनूँ ना तो मुझे थोड़ी सी उलझन होती है, एंड ऑन द रोड मुझे बहुत ज़रूरी है ग्लासेस पहनना। सो खैर चले, रेडी हो? वे आर द कीज। बाय द वे मैंने अपनी ना गाड़ी की चाबियां घुमा दी, वो स्टोरी मैं आपको आके सुनाऊंगी। अच्छा, आगे चल के ना मैं आपको स्टोरी सुनाना भूल गई थी, सो आई थॉट कि मैं अभी आपको सुना दूं। तो बेसिकली हुआ ये था कि जब मेरा सेकंड एग्जाम था लास्ट वीक, जो मैंने व्लॉग अपलोड किया था, आप लोग जाके देखें, तब मेरा सेकंड एग्जाम था एंड एग्जाम अच्छा नहीं गया था, तो मैं अपने लिए ट्रीट्स लेने चली गई थी। आफ्टर माई एग्जाम मैं घर आई हूँ, मैंने घर में गाड़ी पार्क की एंड उसके बाद अल्लाह जाने मैंने कीज़ कहाँ रखी, मुझे उसके बाद कीज़ नहीं मिली। मैंने सारा घर ढूंढ लिया, जहाँ जहाँ ढूंढ सकती थी ढूंढा, लेकिन मुझे कीज कहीं नहीं मिली। अभी तक मैं स्पेयर कीज यूज कर रही हूँ, बट मैं वो भी अभी ढूंढ रही हूँ कि वो वाली कहाँ गई। अच्छा, तो टाइम हो रहा है 4:30 एंड मुझे ऐसे तो भूख नहीं लगी एज सच, लेकिन मेरा दिल कर रहा था तरबूज खाने का, तो अभी मैं खा रही हूँ वाटरमेलन एंड यस दिस इज इट।
व्हाट्स गोइंग ऑन और साथ साथ अपनी वीडियो एडिट कर रही हूँ. हो गया शाम का टाइम, इट्स ऑलमोस्ट 6 o'clock एंड इतनी गर्मी है कि मैं बता नहीं सकती इतना मेरा बुरा हाल हो रहा है बिकॉज मैंने फ़ैन ऑफ किया हुआ वरना आपको सही से आवाज़ नहीं जाएगी. खैर यहाँ पे मैं अभी जो हूँ ना, मैंने तरबूज खाया था अप्रॉक्सीमेटली 1 hour ago एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपना ना चलना फिरना करूँ. डाइट है तो चलना फिरना तो आपको रखना ही है अपना, ठीक है. ट्रेडमिल मेरी काम नहीं कर रही वरना मैं ट्रेडमिल कर लेती, 2 times मैं ट्रेडमिल करती थी जब तक मेरी ट्रेडमिल ठीक थी, बट अभी मैंने उसको ठीक करवाना है अभी. एंड आप लोगों ने क्या करना है कि कोई किसी ना किसी तरह की वॉक या हल्का फुल्का वर्कआउट आप लोगों ने अपने साथ रखना है. अभी मैं ना घर को थोड़ा सा ठीक कर लेती हूँ, ऑल्दो आज घर बिल्कुल साफ ही है, कुछ ज़्यादा नहीं, बट डस्टिंग वगैरह मैं कर लूँगी अभी एंड उसके बाद मैं चाय पीऊँगी. डिनर से पहले मैंने चाय लाजमी पीनी, चाहे जितना मर्जी पसीना आए, चाहे जितनी मर्जी गर्मी हो, लेकिन मैं चाय लाजमी पीऊँगी. तो अभी जो है ना डस्टिंग वगैरह कर लेते हैं एंड उसके बाद चाय पियेंगे. तो शाम का टाइम हो चुका है जैसे आप लोग देख सकते हैं पीछे एंड अभी मैं जो हूँ ना बनाने वाली हूँ अपने लिए चाय. एंड दादो को वाटरमेलन चाहिए था तो वो उनके लिए काट लेते हैं एंड अपने लिए चाय बनाते हैं. यार पसीने से मेरी ये लड़ियाँ यूं हो गई हैं, मुड़ गई हैं ऐसे, पर खैर एनीवेज. तो मैंने जैसी ही चाय बनाई थी तो मगरिब टाइम हो गया था, मैंने सोचा कि यार पहले नमाज पढ़ लेते हैं उसके बाद चाय पियेंगे. तो यहाँ मैंने ना पी के देखा कि यार चाय गर्म है या गर्म करने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल गर्म ही थी, मैंने कहा यही इन्जॉय कर लेंगे. एंड उसके बाद जो हो गई थी रात, मैंने रात में ये खाया था, बिल्कुल ड्राई आइटम्स खाए थे, कुछ और नहीं खाया, सॉसेजेस थे, कबाब्स थे एंड थोड़ा सा चिकन. तो खैर मैंने जो है ना वो डिनर कर लिया है एंड अब मैं ना मनाहिल के लिए कुछ खाने को पैक कर रही हूँ बिकॉज वो हम लोगों ने जाना है आज बाज़ार, जो कपड़े मैं आपको पिछली वीडियो में दिखा रही थी कि हम लोगों ने चेंज करने, तो उसके लिए हम आज जा रहे हैं. एंड बस ये मनाहिल को ना थोड़े से टेंडर पॉप्स करके मैंने दिए थे के एनएनस के, बिकॉज वो काफ़ी देर से भूखी है, टेंडर पर बैठी हुई है, इसीलिए उसके लिए पैक कर लेते हैं. मैं कपड़े चेंज करूँगी एंड हम निकलते हैं. ओके सो आई एम रेडी एंड अच्छा ये थोड़े इसीलिए है ना क्योंकि मैं नहाने लगा था कि थोड़े से लाना है क्योंकि वो डिनर घर आके गड़ेगी. ये थोड़े से इसीलिए क्योंकि मनाहे लगा था थोड़े से करके आना बाकी क्योंकि वो डिनर घर आके करेगी, इसीलिए ये ना कहना कितने थोड़े से ले गई है उसके लिए. तो खैर हम लोग मनाहिल को पिक करने के बाद चले गए थे सदर एंड हमारा सबसे पहला स्टॉप था एथनिक क्योंकि एथनिक पे 2 suits हम लोगों ने चेंज कराने थे. अब ये होगी तुम्हारी शॉपिंग होगी क्योंकि मुझे ब्लैक पैंट की नहीं अच्छी नहीं आ रही. अच्छा बताओ. अच्छा चलो ठीक है. एथनिक वाला काम हमारा हो गया था लेकिन आउटफिटर्स वाला काम नहीं हो सका क्योंकि समावे की पेंट का साइज़ नहीं था यहाँ पे एंड दिस सेट के सेंटोरस में मिलेगा तो आपको फिजिकली वहाँ जाके विजिट करना पड़ेगा. The next morning. तो हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड मैं फजर के बाद सोती हूँ इसीलिए मेरी बिल्कुल भी नींद पूरी नहीं थी. समावे की कॉल आई थी कि मुझे लेने आ जाओ. गुड मॉर्निंग एवरीवन. हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग एंड आज मेरा उठने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा बिकॉज मैं 5:15 सोई हूँ एंड इट्स 11:30 राइट नाउ. उठी मैं इसलिए हूँ क्योंकि समाविया ने बुलाया है, उसको पिक करने जाना है एंड आगे उसको सेंटोरस लेके जाना है क्योंकि कल रात को उसकी एक जीन्स चेंज नहीं हो सकी थी एंड दे सेड कि वो सिर्फ सेंटोरस में है बिकॉज समाविया को सिर्फ वो ही चाहिए थी. तो उसको मैं वहाँ से सेंटोरस लेके जाऊँगी. अभी मैं ना जल्दी से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, प्रेस करके तैयार हो जाती हूँ बिकॉज उसने बोला है कि समाविया और एक इज़ फ्री तो वो कह रही है कि मुझे लेने आ जाओ. तो जल्दी करते हैं. एंड वेट अपडेट ये है कि आज मेरा 1 kg कम आया है एंड दैट इज़ बिकॉज मेरा सारा वाटर वेट जो है ना वो चला गया था
वेट मैं अभी नहीं बताऊंगी, वेट मैं सेवेंथ डे पे जाके बताऊंगी क्या था और अभी क्या है. एंड ऑल्सो कल रात को ना मैंने थोड़ी बहुत चीटिंग भी की थी. मैंने रात को, क्योंकि मैं सारी रात जागी रहती हूँ, मैं फजर के बाद सोती हूँ, तो इसलिए ना मैंने एक आड़ू भी खाया था और मैंने थोड़ी सी ना इतनी सी चाय भी पी थी, बट क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी एंड मैंने 8 बजे का ना खाना खाया हुआ था इसीलिए. बट खैर that's that. अभी हो जाते हैं तैयार एंड निकलते हैं. सूट निकाला है अभी के लिए मैंने. أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي. मैं और मनाहिल यहाँ पे रेडी हो गए थे टू पिक समाविया. एंड आज समावी की यूनिवर्सिटी वालों ने अगेन ये प्रॉब्लम बनाया था कि वो लोग एक से ज़्यादा बंदा नहीं छोड़ने देते टू इवन पिक समवन. सो मनाहिल को ना गेट पे उन्होंने उतार दिया कि आप यहीं पे बैठें एंड जो आपकी दूसरी बहन है वो जाके पिक करके आए. मनाहिल ने उसको उतार दिया कि नहीं बस एक ही जाएगा. अजीब. या मुहम्मद या रहमतन लिल आलमीन या मुहम्मद या मन हल्लैत हयातना. खैर समावे को पिक करने के बाद हम लोग आ गए थे सेंट टॉरस एंड हमारा सबसे पहला स्टॉप था एथनिक. आज भी हम लोग एथनिक इसलिए गए थे क्योंकि मनाहिल ने जो कल सूट लिया था एक्सचेंज जो उसने कराया था वो साइज़ उसको बड़ा था. आई डोंट नो एथनिक ऐसे क्यों कपड़े निकालते हैं, बहुत ज़्यादा बैगी स्टाइल निकालते हैं कि हम लोगों को एक्स्ट्रा या एक्स्ट्रा स्मॉल पहनना पड़ता है. तो खैर यहाँ पर जब तक मनाहिल एक्सचेंज करा रही थी मैंने सोचा कुछ देख लेते हैं न्यू अराइवल में से. एंड उसके बाद हम लोग घूम गए थे सेंट टॉरस में क्योंकि गीगा का तो चप्पा चप्पा हमें याद है लेकिन सेंट टॉरस हम लोग बहुत कम आते हैं इसीलिए हमें आउटफिटर्स नहीं मिल रहा था. खैर आउटफिटर्स ढूंढने के बाद मैंने सोचा यार इनकी कलेक्शन चेक कर लेते हैं. प्लस समाविया को ना जो शर्ट उसने एक्सचेंज करानी थी उसको कुछ मिल नहीं रहा था. अभी हम लोगों को बिल्कुल 1-2 घंटे शायद लगे होंगे यहाँ पे एंड समाविया को स्टिल कुछ नहीं मिल रहा था. यहाँ पे हम दोनों बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं कि समाविया जो कपड़े ट्राई करी उसको फाइनली कुछ पसंद आ जाए ताकि वी कैन गो होम एंड वी कैन फाइनली ईट समथिंग. पतली लग रही है मेरे कैमरा में. आपकी डाइट कैसी चल रही है? सर में इतना दर्द हो रहा है. सर में इतना दर्द हो रहा है पर मुझे भूख लग रही है यार. घर जाके नाश्ता करेंगे. मेरा तो दिल कर रहा पराठा ठूस. तुम खा भी सकती हो पराठा. आई कैन नॉट ईट पराठा. आज मेरा वेट पता कितना था? मुझे नहीं बताया. मैं आपको आखिरी दिन बताऊंगी क्योंकि मैं डाइट पे पराठा खाना चाह रही हूँ. नहीं हम पराठा उस दिन खाएंगे जिस दिन मम्मा आएगी. क्यूट है ये. फाइनली आफ्टर एन आवर समाविया को पेंट और शर्ट दोनों मिल ही गई. अब हम काउंटर पर जाने वाले हैं टू गेट इट एक्सचेंज. कौन सा सैलेड खाना है? कॉर्न. कहाँ से मिलेगा? पहले से ही. अभी मेरी बहनों का जो है ना वो महायुद्ध होने लगा है. गाड़ी है? इनको पता ही नहीं है गाड़ी किधर है. ओ मनाहिल ने गिव अप कर दिया. समाविया महायुद्ध में भागती हुई. आगे बैठने की लड़ाई है बस ये बात है. मनाहिल की तरह शादी भी होने लगी है. मनाहिल ऐसी चीजों पे लड़ रही है. वाओ. तो समाविया जीत गई है एंड मनाहिल हार गई. बंदा कह रहा है बाबू निकले यहाँ से एंड हम निकलते हैं. ओह अच्छा सॉरी चलो निकले. गार्ड कह रहे हैं निकले. कटिंग करानी बैंग्स की कराऊँ एंड मैं अभी कुछ खाने के लिए बनाने जा रही हूँ. समा तुमने तो नहीं कुछ खाना? व्हाई डू आई फंबल अलॉट? तुमने तो नहीं कुछ खाना? क्योंकि अगर तुमने कुछ खाना है तो मैं तुम्हें बना के नहीं दे सकती बिकॉज मैं बहुत टायर्ड.
यार मैं जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, I'm just so hungry. Let's go. तो आज मेरा नाश्ता बिल्कुल सेम था जैसे मैंने कल खाया था, लेकिन मैंने ना 7-2 सॉसेजेस खाए थे बिकॉज मुझे बहुत भूख लग रही थी. तो मैं निकल रही हूँ यूनिवर्सिटी के लिए, मैं नाहिल को भी ड्रॉप करूँगी साथ ही, बिकॉज अब मैं क्या 2-2 चक्कर लगाऊँ. तो यूनिवर्सिटी चलते हैं, तब तक मैं अपनी वीडियो भी एडिट कर लूँगी. सो लेट्स गो. तो मैं नाहिल को ड्रॉप करके मैं चली गई थी यूनिवर्सिटी, एंड मैं यहाँ पे कैफ़े में आके बैठ गई थी बिकॉज़ मेरी क्लास में अभी 1/2 आवर था. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कैफ़े बिल्कुल खाली है बिकॉज़ शाम का टाइम होता है, मास्टर्स के स्टूडेंट्स कंपेरेटिवली कम होते हैं, इसीलिए कोई भी नहीं था. एंड जैसे ही मेरा टाइम हुआ आई वेंट टू क्लास, एंड बहुत ज़्यादा गर्मी है इसकी वजह से ना बहुत फ्रिक्वेंटली पानी की तलब सी होती है, तो आप वाटर बॉटल अपने साथ रखा करें. एंड क्लास में मैं गई तो क्लास में कोई था ही नहीं, आई वॉज रिग्रेटिंग कि यार 10 मिनट और उधर ए सी में बैठ जाती, बट खैर क्लास चिल इज वेल. क्लास जैसी खत्म हुई आई वेंट होम क्योंकि मुझे लग रही थी एकदम से बहुत ज्यादा भूख. एंड घर आके मैंने अगेन वाटरमेलन एंड एक पीच खाया था जो बिल्कुल ना बहुत खट्टा सा था, बट खैर मैंने खा लिया. एंड वाटरमेलन भी ना इतना कोई अच्छा नहीं था, इतना मीठा नहीं था. खैर पीछे ना आप लोग देख सकते हैं ये एसी का हमारा कोई काम चल रहा है बिकॉज एसी प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, एंड आगे गर्मी आने वाली है तो एसी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी. एंड आज ना मैंने डिनर में भी वही खाया था, मैंने चाय लिया, एक स्लाइस ब्रेड एंड साथ में एक कबाब एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, भूख ख़त्म ही नहीं हो रही थी. खैर मैं यहीं पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ. आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा. अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. मेरा ये डाइट व्लॉग जो है ना आप लोग फॉलो करना बिकॉज मैं लास्ट डे अपना वेट रिवील करूँगी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.